सर्दी के सीजन में मूली तो सब लेकर आते ही हैं, लेकिन पत्तों को फेंक देते हैं। तो आप अब की बार मूली को पत्तों के साथ लेकर आएं और ये मजेदार सब्जी बनाकर देखें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मूली के पत्तों की सब्जी बनाना। मूली के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले मूली लेंगे और साथ में ही इसके पत्ते ले लेंगे। पत्तों को मैंने मूली से अलग कर लिया है और इन सबको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि पत्तों में बहुत ज़्यादा डर्ट होता है, तो उनको पहले आप 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लें। तो अब हम सबसे पहले मूली के पत्तों को काट लेंगे। इनको काटने के लिए हम सबसे पहले सारे पत्तों को एक साथ ऐसे हाथ में होल्ड कर लेंगे और इनका जो आगे का मोटा पार्ट है उसे काट कर हटा देंगे, क्योंकि एक तो ये पकने में टाइम लगता है और सब्जी में थोड़ा कड़वापन भी लाता है, तो इसीलिए इनको हटा देंगे और बाकी बचे पत्तों को हम काट लेंगे। तो इनको काट कर हम अलग से निकाल लेंगे और अब मूली लेंगे। तो सबसे पहले मूली के जो ऊपर की स्किन है उसे हटा देंगे। तो पीलर से हम इसके छिलके पील कर लेंगे। तो मूली को काटते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें हम छोटा और पतला ही काटें, ताकि इनको पकने में दिक्कत ना आए। इनको छीलने के बाद जो इनके दोनों एंड हैं उनको हम काट कर हटा देंगे। तो सबसे पहले आप जो मूली का आगे का पतला हिस्सा है उसे ऐसे गोल गोल और पतला ही कट कर लेंगे। जैसे जैसे मोटा पार्ट आएगा हम इसके 2 हिस्से करके इसे काटेंगे, और लास्ट में जो और मोटा पार्ट होगा उसके हम 2 हिस्से कर लेंगे और फिर इसे काटेंगे। तो इस तरीके से आपको मूली को कट करना है। इस तरीके से हम मूली को पतला और छोटा छोटा कट कर लेंगे। पत्तों को भी हमने काट लिया था, अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल से ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें 1 चम्मच सरसों यानी मस्टर्ड सीड डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच मेथी डाल देंगे और फिर साथ में हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इन्हें हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। जैसे ही ये सब अच्छे से पक जाएंगे हम इसमें 1 टमाटर काटकर ऐड करेंगे और साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं। फिर हम टमाटर को 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और फिर हम इस स्टेज पर इसमें 1 इंच अदरक बारीक काटकर ऐड करेंगे और साथ में ही 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक काटकर ऐड कर देंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। इनको पकाने के बाद अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इन मसालों को हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। तो जैसे ही हमारे मसाले पक जाएंगे हम इसमें जो मूली काट कर रखी थी वो डाल देंगे। इन सबको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इस सब्जी में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार मिक्स करने के बाद अब ढक्कन लगाकर हम इसे 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे, अगर मूली 70% तक पक चुकी है तो अब हम इसमें जो पत्ते काट कर रखे थे वो डाल देंगे। इन सबको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इन सबको बढ़िया से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक मूली है जो अच्छे से सॉफ्ट हो ना जाए। तो इस प्रोसेस में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, एक बार मिक्स करेंगे इन सबको, और अब हम फोर्क से इसे दबाकर चेक करेंगे कि मूली अच्छे से गल चुकी है या नहीं। तो देखिए मूली अच्छे से पक चुकी है, तो यानी कि हमारी मूली पत्ते की सब्जी बिल्कुल रेडी है। एक बार इसे मिलाएंगे और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी बढ़िया लग रही है दिखने में भी, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसमें जो लहसुन का और अदरक का फ्लेवर आएगा वो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।